तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। तो अगर ये इस वाले क्वेश्चन को बेसिकली अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में टेंशन निकालना। देखो, अगर ये स्ट्रिंग, ये ब्लॉक है जिसमें 4 kg का मास अटैच है, 4 kg, तो अगर देखोगे इसका वेट mg, तो नीचे लगेगा जो कि 40 न्यूटन हो जाएगा, और स्ट्रिंग में टेंशन टी है। मान लो ये एक्सलेट होता है, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, टेंशन की वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन पॉसिबल है वो है 40 न्यूटन। तो अगर 40 न्यूटन है, अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये बात तो हमें नहीं पता ना। तो चलेगा नहीं चलेगा तो मैं 10 kg वाले ब्लॉक की एनालिसिस करके पता करता हूँ। तो जो 10 kg वाला ब्लॉक है उसके बारे में देखो, तो ये जो स्ट्रिंग है मैक्सिमम 40 न्यूटन यहाँ पे लगा सकती है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है, इधर लगेगा एम जी sin 37, इधर लगेगा, ऊपर लगेगा नॉर्मल यहाँ पे, और इधर लगेगा एम जी cos 37, और इधर लग सकता है टेंशन और फ्रिक्शन, दो आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये एंगल 37 है, तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ, जो नीचे फोर्स खींच रहा है एम जी sin 37, इसकी वैल्यू कितना है। इसको मैं F1 मान लेता हूँ, जो कि इस पूरे ब्लॉक को नीचे लाना चाह रहा है। तो अगर ये पूरे ब्लॉक को नीचे लाना चाह रहा है, तो ये कितना से ब्लॉक को नीचे खींच सकता है मैक्सिमम। तो मास कितना है इस ब्लॉक का, 10 g की वैल्यू 10 है, और sin 37 कितना होता है, 3/5, तो ये 2 टाइम्स कट गया। तो ये आ जाएगा अगर 10 × 6, तो अगर तुम देखोगे 60 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स ये लगा सकता है। अब नीचे 60 न्यूटन ये हो सकता है। अब ऊपर वाले जो टेंशन है, यहाँ पे जो टेंशन और फ्रिक्शन है, अगर ये 60 के बराबर हो गए या 60 से अधिक हो गए, तो ये 60 से अधिक हो गए तो ऊपर जाएगा, और अगर टेंशन और फ्रिक्शन दोनों मिल के 60 से कम हो गए तो ब्लॉक नीचे आएगा। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन यहाँ पे कितना है। जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन यहाँ पे है म्यू एन के बराबर है। म्यू कितना है यहाँ पे, तो म्यू है 0.7, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, एम जी cos 37। तो एम जी cos 37 0.7, और एम मास की वैल्यू 10 है, जी की वैल्यू 10 है, cos 37 होता है 4/5, ठीक है ना। तो अगर तुम देखोगे तो ये 2 टाइम्स कट गया, और ये पॉइंट इससे कट गया, मतलब ये 7 × 8, 7/56, 56 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाया जा सकता है, सरफेस लगाएगा। तो क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाएगा ये 56 न्यूटन, वो तो लगा भी सकता नहीं भी लगा सकता है। ये तो लिमिटिंग यहाँ अवेलेबल है ना, यहाँ अवेबिलिटी इतनी है, अब लगेगी नहीं लगेगी वो बात की बात है ना। तो अब देखो, जो मैक्सिमम यहाँ पे टेंशन आ जाएगा वो 40 न्यूटन इधर आ रहा है, अगर ब्लॉक रेस्ट में है, नहीं तो इसे कम ही आएगा। तो और इधर इधर 60, इधर जो एम जी है ये 60 न्यूटन इधर है। तो अब जो फ्रिक्शन आएगा वो कितना आएगा, कॉमन सेंस की बात है, 60 से नीचे खींचा जा रहा है, 40 से टेंशन ऊपर खींचेगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो आएगा वो स्टेटिक आएगा, और उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 20 न्यूटन होगी। क्योंकि समझ रहे ना, क्योंकि 20 न्यूटन से फ्रिक्शन यहाँ 56 न्यूटन तक आ सकता है, समझ रहे। अगर ये मान लो ये 60 नहीं होता, ये 100 न्यूटन होता, 60 नहीं होता, ये 100 न्यूटन होता, तो यहाँ टेंशन 40 लगता, टेंशन कुछ लगता, मान लो टेंशन की वैल्यू कुछ लगती पहले टेंशन, उसके बाद 56 न्यूटन ये लगता, तो ये आ जाएगा 96 न्यूटन। तो 4 न्यूटन से फिर भी ब्लॉक नीचे एक्सलेट कर जाता, आ रहा समझ में। तो अब यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन स्टेटिक लगेगा और उसका डायरेक्शन अपवार्ड होगा, जो कि 20 न्यूटन होगा, और ब्लॉक चलेगा नहीं, ब्लॉक रेस्ट में होगा। तो अभी अवेलेबल जो है टेंशन जो स्ट्रिंग में है वो सबसे ज़्यादा है, और उसकी वैल्यू जो है वो 40 न्यूटन यहाँ पे। आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा समझ के। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।